नमस्कार बच्चों, आजकल अब हम लोग पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं। पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक का जो सेकंड चैप्टर अरस्तु है, उसके आज अपन संपत्ति संबंधी विचार पढ़ेंगे। अरस्तु का संपत्ति के बारे में क्या सोचना था? अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के संपत्ति के विचारों से सहमत नहीं है। प्लेटो का कहना था कि जो अभिभावक वर्ग है, जो राज्य सत्ता को संचालित करेगा और जो देश की सीमाओं की रक्षा करेगा, वो वर्ग परिवार और संपत्ति से वंचित रहेगा, क्योंकि शिक्षा ने जो व्यक्ति के अंदर जो संस्कार उत्पन्न किए हैं, वो विपरीत वातावरण में संपत्ति और परिवार रूपी जो विपरीत वातावरण है, उसमें उनके संस्कार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वो ये कहता है कि दार्शनिक और सैनिक वर्ग जो है, वो परिवार और संपत्ति से वंचित रहे, कंचन कामिनी से वंचित रहे, तो वो शासन कार्य का संचालन अच्छे से कर सकता है। लेकिन अरस्तु जो है, वो अपने गुरु के इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अरस्तु का कहना है कि अपने जीवन के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो दार्शनिक वर्ग हो, चाहे वो सैनिक वर्ग हो, चाहे वो उत्पादक वर्ग हो, सभी को संपत्ति और परिवार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पारिवारिक सुख और जीवन के लिए संपत्ति बहुत जरूरी है। व्यक्ति को खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और निवास के लिए मकान की आवश्यकता है। अर्थात व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी आवश्यकताएं संपत्ति के आधार पर ही पूरी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न करना है तो भी संपत्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि संपत्ति के आधार पर ही ये संभव हो पाता है। अरस्तु ने कहा है कि निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए हितकर है और इसे सभी व्यक्तियों के लिए मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तु का विश्वास था कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, बशर्ते कि उसका प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपराओं और रीति रिवाजों द्वारा, राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानूनों द्वारा नियंत्रित हो। यानी संपत्ति तो हो, किंतु उस पे नियंत्रण भी स्थापित हो। अब मैं आपको निजी संपत्ति की प्रथा का जो औचित्य है, उसके बारे में बताऊंगी। अरस्तु ने निजी संपत्ति के औचित्य के पक्ष में निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए हैं। पहला, यह सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अंग है। उसका कहना है कि जब प्रत्येक का विशेष स्वार्थ होगा, तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य पर पूरा ध्यान देगा। व्यक्ति उस समय निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करेंगे, जबकि उनका निजी स्वार्थ उसमें निहित होगा। इस प्रकार व्यक्ति के कठिन परिश्रम से संपूर्ण समाज को लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये केवल अरस्तु ही नहीं कहता, बल्कि ये हॉब्स भी कहता है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो संपत्ति की इच्छा उसके साथ पैदा होती है, और जब वो मरता है तो संपत्ति की इच्छा उसके साथ ही खत्म हो जाती है। तीसरी बात यह है कि परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के लिए भी संपत्ति अपरिहार्य है। संपत्ति के आधार पर ही व्यक्ति जीवन की सुरक्षा को प्राप्त करता है। अब सबको पता है कि परिवार को चलाने के लिए संपत्ति की आवश्यकता है। अरस्तु का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निजी संपत्ति सद्जीवन का एक आवश्यक साधन भी है। संपत्ति के आधार पर ही व्यक्ति का विकास संभव है। निजी संपत्ति के अभाव में उदारता, स्वतंत्रता, अतिथि सत्कार जैसे गुण अपनाए नहीं जा सकते। अरस्तु मनोवैज्ञानिक आधार पर भी संपत्ति की संस्था का समर्थन करता है।
वो कहता है कि संपत्ति व्यक्ति को सुख देती है, ये एक सुख का साधन है, क्योंकि लगभग सभी व्यक्ति संपत्ति से प्रेम करते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा, हम जब किसी के घर जाते हैं तो हम ये देखते हैं छोटा सा बच्चा जब उसको पैसे देते हैं तो उसको पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं है, आप लोगों ने भी देखा होगा ये। तो संपत्ति से सभी व्यक्ति प्रेम करते हैं। निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों के नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है कि जब व्यक्ति के पास निजी संपत्ति होगी तो उसमें नागरिक उत्तरदायित्व की भावना भी अधिक से अधिक भरी हुई होगी। संपत्तिहीन व्यक्ति जो है राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेगा, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास निजी संपत्ति होती है वे इसकी रक्षा के लिए राज्य की ओर देखते हैं और राज्य के कार्यों में भी रुचि लेते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति होती है वे इसका प्रबंध करना जानते हैं और अपने इस प्रकार के अनुभव के आधार पर वो राज्य के प्रबंध के उपयोगी रूप में भी भाग ले सकते हैं। इस प्रकार अरस्तु नागरिकता का अधिकार जो है केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान करता है जिनके पास संपत्ति है। संपत्तिहीन व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान नहीं करता। संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अवांछित जो कारण है, जो अप्राकृतिक कारण है, उपाय है, उनके द्वारा जो संपत्ति प्राप्त होती है उनको भी अस्वीकार कर देता है। अर्थात संपत्ति जिसके पास है वही नागरिकता के अधिकारी है। अरस्तु इस प्रकार निजी संपत्ति के औचित्य को स्वीकार करता है, किंतु वह संपत्ति को एक साधन मात्र मानता है। उसके अनुसार संपत्ति की कुछ सीमाएं भी है। प्रत्येक परिवार में उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी उनके समुचित जीवन व्यापन के लिए आवश्यक हो, अर्थात उनके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने के लिए पर्याप्त हो। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का होना उतना ही बुरा है जितना कि आवश्यकता से कम होना। एक यंत्र का आकार इस बात पर निर्भर करता है उसे क्या कार्य लिया जाना है। फॉस्टर का कहना है कि अपना कार्य करने के लिए हथौड़ा भारी होना चाहिए, लेकिन हथौड़ा बनाने वाला उसे अधिक से अधिक भारी तो नहीं बनाना पड़ेगा। जिस कार्य के लिए हथौड़े में वजन की आवश्यकता है वही कार्य उस वजन को सीमित भी करता है। एक अच्छा लुहार इस सीमा का पालन करेगा। अर्थात संपत्ति भी सदा सीमित होनी चाहिए। संपत्ति, अब मैं आपको बताऊंगी संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपाय। अरस्तु का कहना है कि असीमित संपत्ति का अरस्तु समर्थक नहीं है। यह बात उसके द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपायों की विवेचना से स्पष्ट हो जाती है। प्राकृतिक उपायों के अंतर्गत उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनके आधार पर जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कृषि, पशुपालन, शिकार को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। वह व्यापार को संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन मानता है क्योंकि उसका उद्देश्य संपत्ति का संग्रह होता है। व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक लाभ कमाकर अपार संपत्ति संग्रह का प्रयत्न किया जाता है, इसलिए अरस्तु इसे संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन मानता है। एकाधिकार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ को अरस्तु ने बड़ी भर्त्सना की है, यानी कि अरस्तु जो है वो अप्राकृतिक साधन को सही नहीं मानता। संपत्ति के वितरण की जब बात आती है तो अरस्तु ने संपत्ति का वितरण भी बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अरस्तु धन के दूषित वितरण और आर्थिक विषमता को जन असंतोष और क्रांति का कारण मानता है। आर्थिक विषमता को रोकने के लिए तीन वैकल्पिक व्यवस्थाओं का वर्णन करता है। संपत्ति वैयक्तिक हो किंतु उसका उपभोग सामूहिक हो, सब लोग उसका समान रूप से उपभोग कर सके। दूसरा, संपत्ति सामूहिक हो पर उसका उपभोग वैयक्तिक हो। तीसरा, संपत्ति सामूहिक हो और उसका उपभोग भी सामूहिक हो। अरस्तु इनमें से प्रथम विकल्प के पक्ष में है, यानी संपत्ति वैयक्तिक हो किंतु उसका उपयोग सामूहिक हो, सब लोग उसका समान रूप से उपभोग कर सके। वह कहता है कि स्पष्टतया यह श्रेष्ठ है कि संपत्ति वैयक्तिक हो किंतु उसका उपभोग सामूहिक हो। उसके अनुसार धनी व्यक्तियों को अपना धन सार्वजनिक कार्यों में लगाना चाहिए। उनके पुस्तकालय, चित्रशालाएं, उद्यान साधारण जनता के लिए खुले होने चाहिए। निजी संपत्ति का सामान्य उपयोग के साथ
संयुक्त करके वह व्यक्तिवादी और साम्यवादी दोनों ही व्यवस्थाओं के लाभ को प्राप्त कर लेता है। निजी संपत्ति के आर्थिक और नैतिक लाभ प्राप्त होते हैं और सामान्य उपभोग से राज्य में एकता की भावना का संचार होता है। यद्यपि अरस्तु जो है प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, किंतु वह प्लेटो के ही समान संपत्ति के प्रति अत्यधिक प्रेम को भी बुराई की जड़ मानता है। वह प्लेटो के इस विचार को स्वीकार नहीं करता, स्वीकार करता है कि राज्य के विनाश का इससे बड़ा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता कि उत्पादन और वितरण की व्यवस्था उन व्यक्तियों के हाथ में रख दी जाए जो इसका निजी लाभ के लिए उपयोग करें। इस प्रकार अरस्तु संपत्ति के मामले में एक समन्वयवादी विचारक है। उसकी यह समन्वयवादिता निजी संपत्ति विषयक धारणा में विशेषतः देखी जा सकती है। भोलानाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि निजी संपत्ति की वकालत करने में वह घोर व्यक्तिवादी है, किंतु इसके साथ ही वह रीति रिवाज तथा कानून और संपत्ति को नियंत्रित करना चाहता है। उसके सामान्य उपभोग की व्यवस्था करता है, वह संग्रह की सीमाओं को निर्धारित करता है और इस दृष्टि से वह समाजवादी कहा जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तिवादी और समाजवादी जैसी दो विरोधी विचारधाराओं के बीच के मार्ग को अपनाता है। रॉस ने लिखा है कि अरस्तु इस दृष्टि से समाजवादी है कि वह व्यक्तिवाद की यद भाव्यम नीति या मुक्ति द्वार नीति का विरोधी है और उसकी दृष्टि में आज का कार्य नागरिकों को मात्र धनी बनाना या उन्हें मनमाना कार्य करने की छूट देना नहीं, वरन उन्हें सद्गुणी बनाना है। किंतु इस दृष्टि से वह व्यक्तिवादी है कि वह व्यक्तिगत संपत्ति को आवश्यक समझता है और उसका अंत भी नहीं करना चाहता। अतः बच्चों, अंत में मैं यही कहूंगी कि अरस्तु जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति का पक्षपाती तो है, किंतु वो उसका उपभोग जो है वो समाज के हित में करना चाहता है, उस संपत्ति पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। व्यक्तिगत संपत्ति जो है वो व्यक्ति की है, लेकिन उसका जो सोच है उसकी वो उसको समष्टि की होनी चाहिए, व्यष्टि की नहीं, बल्कि उसकी सोच समष्टि की होनी चाहिए, समाज का हित होना चाहिए उस संपत्ति की सोच में। धन्यवाद बच्चों।